प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बलूचिस्तान वाले बयान को लेकर पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान ने कहा है कि पीएम मोदी बलूचिस्तान का नाम लेकर कश्मीर के मुद्दे से दुनिया का ध्यान भटकाना चाहते हैं। असल में कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा था कि गिलगित, बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान में पाकिस्तान जो हिंसा बरपा रहा है, आम नागरिकों का दमन कर रहा है, उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। इसके बाद सोमवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से दिए अपने भाषण में मोदी ने कहा कि बलूचिस्तान के लोग उन्हें अपना मुद्दा उठाने के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। अजीज ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी के भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र करना साफ बताता है कि भारत रॉ के जरिए बलूचिस्तान में आतंक को हवा दे रहा है। अजीज ने मार्च में मीडिया के सामने लाए गए कथित भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का भी उदाहरण दिया, जबकि भारत साफ कहता रहा है कि वह जासूस नहीं है, सिर्फ भारतीय नागरिक है और शक के लिए उसे ईरान से अगवा किया गया है। लेकिन इस बीच भारत में पकड़ा गया आतंकवादी बहादुर अली पाकिस्तान की कलई खोल रहा है कि किस तरह पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों को प्रशिक्षित करके कश्मीर भेज रही है। पाकिस्तान के खुद के घर में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन वह है कि कश्मीर को लेकर बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहा। ये तो वही बात हो गई, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। देखते रहिए टीवी लाइव।